तो चलिए स्टार्ट करते हैं। ये माइक्रोसॉफ्ट वर्ड के इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस हैं, ठीक है ना। तो यहाँ पे फर्स्ट क्वेश्चन है, वन लाइनर क्वेश्चन है सभी, जो कि एग्ज़ाम के दृष्टि से इम्पोर्टेंट है, ठीक है। पहला क्वेश्चन है, किसी भी टेक्स्ट व ग्राफिक्स को कट और कॉपी करने से पहले वह किस स्थिति में होना चाहिए। तो किस स्थिति में होना चाहिए, वो सेलेक्टेड होना चाहिए, ठीक है ना। तो जैसे मान लो कि अगर आप यहाँ पर प्रैक्टिकली बताते चलते हैं, ठीक है, आपने यहाँ पे कोई भी ऑब्जेक्ट टाइप किया हुआ है, ठीक है, अगर इसे क्या करना है, कट या कॉपी करना है, तो पहले क्या होना चाहिए, इसको सेलेक्टेड मोड पे होना चाहिए। इस क्वेश्चन का यहाँ पे आंसर ये है कि सेलेक्टेड मोड पर होना चाहिए, ठीक है। अगला क्वेश्चन है, डॉट डॉट समानार्थक शब्दों की शब्दकोश है जिसका उपयोग समानार्थक शब्दों को खोजने के लिए कर सकते हैं। तो यहाँ पर वर्ड में चलते हैं, देखते हैं, अगर आपको कोई भी समानार्थी शब्द चाहिए, जैसे अगर हम चाहते हैं मैन का समानार्थी शब्द क्या होता है, पर्यायवाची जिसको आप बोलते हैं, तो यहाँ पे आप कोई भी शब्द सेलेक्ट कर लो, या फिर आपको टाइप कर सकते हैं आप, और फिर आपको यहाँ पर जाना है, ये आपको रिव्यू टैब में, रिव्यू टैब पे आपको ऑप्शन मिल जाएगा। यहाँ पे देखिए, ये थॉर्सस, ठीक है, थेरेसिस यहाँ पे दिया है, यह समानार्थी शब्द को ढूंढता है। तो यहाँ पे आप क्लिक करोगे, जैसे ही आप क्लिक करोगे तो यहाँ पे देखिए सेलेक्टेड टेस्ट का, ठीक है, सेलेक्टेड टेस्ट यहाँ पे मैन किया था, और मैन का यहाँ पे क्या आ जाएगा, आपका समानार्थी शब्द आ जाएगा, क्या, जेंटलमैन, लोग, गाइज, है ना, मेल, जेंट, फेलो, ठीक है, लोग लोग, ठीक है। तो ये सब समानार्थी शब्द, यानी कि मैन के समानार्थी शब्द हैं, ठीक है। तो यहाँ पर आपका थेरेसिस के लिए शॉर्टकट की क्या होता है, तो थेरेसिस के लिए शॉर्टकट की होता है Shift+F7, यानी कि Shift+F7 थेरेसिस के लिए क्या होता है, शॉर्टकट की। हाँ, कहाँ, Shift+F7, ठीक है। तो हाँ, रिव्यू में अपन ऑप्शन आपको मिलता है। तो आपको यहाँ पे जिस भी शब्द का समानार्थी ढूंढना है, ठीक है, तो आप उसको क्या करोगे, सेलेक्ट करना है आपको, और फिर Shift+F7 प्रेस कर देना है, तो उस शब्द का समानार्थी शब्द आपको यहाँ पर रिसर्च बॉक्स में मिल जाएगा, ठीक है। और अगर केवल F7 की बात करता है, तो F7 शॉर्टकट की किसके काम में आता है, जैसे हमने कहा यहाँ पर दिस इज एप्पल, यहाँ पर हमने लिखा दिस इज एप्पल, ठीक है, यहाँ पर एप्पल की क्या है, यहाँ पे स्पेलिंग मिस्टेक है, ठीक है, ये मिस्टेक है। तो ये मिस्टेक बता क्यों नहीं रहा, क्योंकि यहाँ पे जो आपका ये बड़ ऑप्शन है, तो बड़ ऑप्शन पे ये डिसेबल हुआ होगा, ठीक है। ये ऑप्शन पे जाएंगे और बड़ ऑप्शन आपको यहाँ पे दिखाई देगा, ये प्रूफिंग के अंदर, प्रूफिंग के अंदर चेक स्पेलिंग एज यू टाइप, स्पेलिंग भी चेक करना है जैसे कि हमने टाइप किया हुआ है। तो अभी देखो ये यहाँ पे क्या बता रहा है, अगर आप एमएस वर्ड में कोई आप मिस्टेक करके टाइप करेंगे, कोई अच्छा टाइप करेंगे, तो ये रेड अंडरलाइन आता है, ठीक है। तो ये क्या है, स्पेलिंग एरर है। तो स्पेलिंग एंड ग्रामर चेक करने के लिए शॉर्टकट की क्या होती है, F7, ठीक है, F7 आपको ये सजेशन भी देगा, और जो भी आपको करना है आप वो कर दो, या इस पे राइट क्लिक करोगे, राइट क्लिक करने के बाद आपको यहाँ पे सजेशन देगा, जो भी राइट आंसर होगा वहां पे क्लिक कर देना है, ये सही हो जाएगा, ठीक है ना। तो यहां पर स्पेलिंग एमएस वर्ड में अगर स्पेलिंग मिस्टेक होता है, तो कौन से कलर का अंडरलाइन आता है, रेड कलर का। और अगर मान लीजिए कि हम यहां पर और कुछ सेंटेंस लिखते हैं, जैसे कि I R एप्पल, ठीक है, ये लिखा हमने, तो यहाँ पर IR एप्पल हमने ये लिखा, ठीक है, यहाँ पे अगर आप सेंटेंस लिखते हो, जैसे हमने लिखा यहाँ पे IR एप्पल, तो यहाँ पे एरर आ रहा है, यहाँ पे ग्रीन लाइन आ रही है। तो ग्रीन लाइन का मतलब क्या हुआ, यहाँ पे ग्रामर मिस्टेक है, ठीक है। हाँ, यहाँ पे जैसे हमने यहाँ पे लिखा कि I am Apple, ठीक है, ये लिखा हमने, तो यहाँ पे क्या मिस्टेक है, एप्पल की स्पेलिंग मिस्टेक है, ठीक है,
ये स्पेलिंग मिस्टेक, यहाँ पे क्या है स्पेलिंग मिस्टेक, और यहाँ पे क्या है आपका ग्रामर मिस्टेक है। तो अगर ग्रामर मिस्टेक है तो कौन से कलर का आएगा लाइन, ग्रीन कलर का आएगा। अगर स्पेलिंग मिस्टेक है तो रेड लाइन आएगा। तो यहाँ पे ग्रामर का मिस्टेक है कि आई के साथ क्या लगता है एम लगता है, तो ये ग्रामर मिस्टेक है। अगर आप इस पर राइट क्लिक करोगे तो आपको ये सजेशन भी देगा कि एम के आई के साथ एम होना चाहिए, ये देखिए सही हो गया। यहाँ पे राइट क्लिक करेंगे तो क्या बता रहा है आपको, यहाँ पर आपको सजेशन भी देगा, ठीक है। ये आपको यहाँ पर राइट क्लिक करोगे तो सजेशन भी दे रहा है कि क्या होना चाहिए, तो आप वहाँ पे राइट क्लिक करके सुधार सकते हो। लेकिन अगर आप कोई भी सेंटेंस टाइप करते हैं और उसमें एरर आता है, रेड लाइन आता है, आपको लगता है ये सही है, फॉर एग्जांपल जैसे ये शब्द देखिए, ठीक है, जबलपुर। अब यहाँ पे ये क्या मिस्टेक यहाँ पे है, जैसे मान लीजिए कि हम चाहते हैं जबलपुर शब्द सही लिखा है, ठीक है, इसे हमें क्या करना है इग्नोर कर देना है। अगर आप प्रिंट करोगे ना तो ये प्रिंट आउट में नहीं आएगा, प्रिंट आउट में ये नहीं आएगा, लाइनिंग नहीं आएगी। आप इसको चाहो तो इग्नोर कर सकते हो, ठीक है, या आप कैपिटल कर दोगे फर्स्ट लेटर तो ये सही हो जाएगा, ठीक है, ये हो गया। फर्स्ट लेटर क्या हो कर दो आप कैपिटल, अब नहीं आएगा। तो जो शब्द इसके डिक्शनरी में नहीं है तो उसको क्या समझेगा ये एरर। अगर प्लेस है या कोई आप ऐसे शब्द लिख रहे हैं जिसका आप क्या कर दो कैपिटल कर दो फर्स्ट शब्द, तो एरर नहीं आएगी। तो यहाँ पर हम क्या देख रहे थे कि समानार्थी शब्द के लिए शॉर्टकट क्या होता है शिफ्ट प्लस F7, और समानार्थी शब्द ढूंढने के लिए या खोजने के लिए हम क्या ऑप्शन यूज करते हैं, क्या यूज करते हैं, यहाँ पे देखिए क्या था ये थेरोसस, ये ऑप्शन यूज करते हैं। इसके लिए क्या होता है शॉर्टकट की शिफ्ट प्लस F7, हाँ ठीक है, ये आपको रिव्यू ऑप्शन मिलेगा, ये रिव्यू ऑप्शन है यहाँ पे टैब रिव्यू टैब, रिव्यू टैब के अंतर्गत आपको ये प्रूफिंग में मिलेगा। प्रूफिंग में स्पेलिंग एंड ग्रामर रिसर्च थेरेसस बर्ड काउंट ये सभी ऑप्शन मिलेंगे, ठीक है। अगला, किस कमांड की सहायता से किसी भी टेक्स्ट फुट नोट एंड नोट या मार्क को सर्च किया जा सकता है, किस कमांड की सहायता से किसी भी टेक्स्ट को फुट नोट को एंड नोट को या किसी भी टेक्स्ट को आप सर्च कर सकते हैं गो टू की सहायता से, ठीक है। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा गो टू। तो अगर गो टू मतलब होता है जाना, अगर आपको कहीं भी जाना है किसी लाइन नंबर पे किसी पेज नंबर पे तो कंट्रोल प्लस आप जी करो, और आपको कहाँ जाना है पेज नंबर वन पे या लाइन नंबर वन पे, किस पे जाना है लाइन नंबर थ्री पे जाना है और लाइन सेलेक्ट कर लेना है और नेक्स्ट करिए तो आपका कर्सर सीधे लाइन नंबर तीन पे आ जाएगा 3 2 1, ठीक है। तो गो टू के लिए क्या होता है शॉर्टकट की कंट्रोल प्लस जी होता है, कंट्रोल प्लस जी गो टू के लिए शॉर्टकट की। अगला क्वेश्चन है कि वेब पेज डिजाइन करते समय डॉट डॉट स्क्रिप्ट भाषा का प्रयोग किया जाता है। वेब पेज को डिजाइन करने के लिए जो आप इंटरनेट पे कोई चीज़ें सर्च करते हो वेब पेज खुलता है, वो वेब पेज किस पे बना होता है, तो किस पे बना होता है HTML पे बना होता है। HTML का फुल फॉर्म क्या होता है हाइपर टेक्स्ट मार्कअप लैंग्वेज होता है, ठीक है। अगला, ठीक है, चलिए, डॉट डॉट एक विषय सूची है जो डॉक्यूमेंट में अपने संबंधित रिफरेंस पेज के साथ उपस्थित होता है। ये क्या होता है टेबल ऑफ कंटेंट। ये टेबल ऑफ कंटेंट क्या होता है, देखिए जैसे मान लीजिए कि आपने यहाँ पे कोई डॉक्यूमेंट बनाया वर्ड में, ये वर्ड आपने ओपन किया और आपने यहाँ पे कोई भी डॉक्यूमेंट बनाया, सपोज़ इतने लाइन का डॉक्यूमेंट बनाया और सपोज़ हम कहते हैं कि ये है आपका हेडिंग्स हैं ये सब, ये हेडिंग बना लो इनको, है ना, मान लो ये हमारी हेडिंग है, ठीक है, ये हमारे क्या हैं हेडिंग हैं, और सारा चाहिए आपको कई पेज में कर लो आप, ठीक है, ये हमारे मान लीजिए हेडिंग है। अब इसको हमें क्या बनाना है हेडिंग्स में बनाना है, तो होम पे जा करके ये अपना होम है और होम पे आपको हेडिंग दिख जाएगा, ये हेडिंग बना दिया, ये हेडिंग बना दिया हमने, ये सॉरी ये हेडिंग हेडिंग वन बना दिया। हमारे डॉक्यूमेंट में कई हेडिंग हो सकते हैं, ठीक है,
ये हमने हेडिंग बना दिया, इसको हेडिंग बना दिया। तो जब हम एक नोट्स लिखते हैं या बुक लिखते हैं तो उस बुक या नोट्स में कई सारे हेडिंग हो सकते हैं, ठीक है, कई पेज में हो सकते हैं। ये हेडिंग बना रहे हैं, ठीक है, ठीक है, ये हेडिंग बना दिया हमने। अब आपने बुक देखा होगा, बुक में इंडेक्स रहता है, टेबल ऑफ कंटेंट, टेबल ऑफ कंटेंट। इसका ये जो ये होता है टेबल ऑफ कंटेंट का, कि अगर आपको ये देखना है कि कोई भी डिफिनीशन पेज जो हमारा बुक है या नोट्स है तो किस पेज नंबर पे है, तो सीधे वो पन्ने पे आप पहुंच जाते हो, उस पेज पे पहुंच जाते हो जिस पे वो पर्टिकुलर डिफिनीशन है। तो टेबल ऑफ कंटेंट बनाने के लिए हम क्या करेंगे, यहाँ पर आप जाओगे रेफरेंसेस में जाओगे और यहाँ पर टेबल ऑफ कंटेंट है, ठीक है ना, ये क्रॉस रेफरेंस की तरह ही काम करता है। बशर्ते इसमें यह है कि इसमें रेडीमेड आपको लिंक क्रिएट करने की आवश्यकता नहीं है, यहाँ पर आप क्लिक करोगे तो ऑटोमेटिक ये टेबल ऑफ कंटेंट आ जाएगा। ये देखिए आ गया है, ये ऑटोमेटिक आ गया ऑप्शन, ठीक है, ये हाँ, तो वही वही बता रहा, मैं बताने जा रहा हूँ। जैसे अगर आपको जाना है कि आल्सो कोऑर्डिनेट विथ, इस आपको हेडिंग पे जाना है तो क्या करोगे आप, यहाँ पर आप कंट्रोल प्रेस करोगे और कंट्रोल प्रेस करते ही आप संबंधित ऑप्शन पे चले जाओगे, ठीक है ना, देखिए चला गया कर्सर, कंट्रोल प्रेस करके, ठीक है ना। तो अगर मान लीजिए कि आपने इस पे, ये पहला अपना हेडिंग क्या था, ऑन द इंसर्ट टैब, ये था, देखिए यहाँ पे टेबल ऑफ कंटेंट में आ रहा है, किस पेज नंबर पे है, ये पेज नंबर 1 पे है, ये बहुत सारे पेज नंबर 1 पे है, और यू करेंट डॉक्यूमेंट, योर करेंट डॉक्यूमेंट लुक, ये पेज नंबर 2 पे है। तो पेज नंबर 2 पे आप जाएंगे तो देखिए ये योर करेंट डॉक्यूमेंट लुक, ये आ रहा है पेज नंबर 2 पे, हेडिंग जो हमने दिया हुआ है, तो देखिए यहाँ पे आ रहा है, ये पेज नंबर 2 पे है। तो कौन सा टॉपिक किस पेज नंबर पे है और किस नाम के साथ है, सब पूरी चीज़ें यहाँ पे आएगा टेबल ऑफ कंटेंट में। अब इसका नाम हम यहाँ पे बदल देते हैं, देखो अभी यहाँ पे क्या है, ऑन द इंसर्ट टैब लिखा हुआ है, इसलिए तो यहाँ पे आ रहा है फर्स्ट वाले में। हम इसका बदल देते हैं, डिफिनीशन चेंज कर देते हैं यहाँ पे, कि व्हाट इज़ कंप्यूटर, ये कर दिया मान लीजिए हमने, तो व्हाट इज़ कंप्यूटर जब कर दिया हमने तो ये कहाँ पर आया, नहीं आया, तो कैसे आएगा, तो इसको हमें क्या करना पड़ेगा, अपडेट करना पड़ेगा। तो अपडेट जब हम कर देंगे और ओके कर देंगे तो क्या हो जाएगा, इन अपडेट इंटायर, पूरा टेबल अपडेट। तो व्हाट इज़ कंप्यूटर, देखिए ऑटोमेटिक यहाँ पे ले लिया, ये डिफिनीशन ये वाली अपडेट हो गया। तो टेबल ऑफ कंटेंट ये है कि क्रॉस रेफरेंस को बाय डिफ़ॉल्ट ये क्या कर देता है, ऐड कर देता है। तो यहाँ पे क्वेश्चन देखिए क्या है, कि एक डॉट डॉट एक विषय सूची है, जिसे बताया टेबल ऑफ कंटेंट विषय सूची हो, इंडेक्स टाइप का होता है, जो डॉक्यूमेंट में अपने संबंधित रेफरेंस पेज के साथ उपस्थित होता है, तो उसको हम क्या कहते हैं, टेबल ऑफ कंटेंट के नाम से जानते हैं। और इंडेक्स ही आपका इंडेक्स टाइप का ही है, हाँ इसमें बना बनाया, जैसे अगर आपको ये वाला नहीं चाहिए, ठीक है, ये आपको नहीं चाहिए, ये पैटर्न नहीं चाहिए, आपको टेबल ऑफ कंटेंट में ये वाला ऑप्शन चाहिए, रेफरेंसेस टैब के अंतर्गत रहता है, टेबल ऑफ कंटेंट ये पैटर्न में चाहिए, है ना, तो इस पैटर्न में आएगा, ठीक है, यहाँ पे पैटर्न दिया रहते हैं, जो भी आप चूज करोगे उसके अकॉर्डिंग आ जाएगा, ठीक है ना। तो यहाँ पर इस क्वेश्चन के अकॉर्डिंग क्या हो जाएगा, आंसर टेबल ऑफ कंटेंट हो जाएगा, ठीक है, हाँ। अगला है, रिप्लेस कमांड की सहायता से डॉक्यूमेंट में दी गई कौन सी चीजों को बदला जा सकता है, रिप्लेस कमांड की सहायता से दी गई डॉक्यूमेंट्स में कौन सी चीजों को बदला जा सकता है, बताइए। देखिए हमने अगर मान लीजिए कि यहां पे कोई भी पैराग्राफ लिखा हुआ है, यहां पे हम ये चाहते हैं कि जहां जहां पे ए है, स्मॉल ए, जैसे कि यहाँ पे स्मॉल ए है, यहाँ पे स्मॉल ए है, जहाँ जहाँ पे स्मॉल ए है वहाँ वहाँ पे क्या हो जाए, कैपिटल ए हो जाए। तो कर सकते हैं क्या, कैसे करेंगे, रिप्लेस के लिए क्या होता है शॉर्टकट की, हाँ कंट्रोल प्लस एच होता है, तो कंट्रोल प्लस आप एच करो और फिर यहाँ पे पूछ रहा है रिप्लेस, फाइंड व्हाट, क्या फाइंड करना है, एच फाइंड ए फाइंड करना है, स्मॉल ए, और स्मॉल ए को किस में आपको बदल देना है, कैपिटल ए में कर देना है, और रिप्लेस ऑल कर दोगे तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, जहाँ जहाँ पे स्मॉल ए था वहाँ वहाँ पे देखिए कैपिटल ए हो गया है सभी जगह पे। तो हम पहली बात तो रिप्लेस के माध्यम से क्या क्या बदल सकते हैं, किसी भी कैरेक्टर को बदल सकते हैं, किसी भी अक्षर को बदल सकते हैं, ठीक है। और देखिए हम चाहते हैं
जहां जहां पे द है, टी एच ई, जहां जहां पे द है वहां वहां पे हम दोज करना चाहते हैं, ठीक है, तो इस शब्द को करना चाहते हैं। तो यहां पर जाकर के हम कंट्रोल प्लस यस करेंगे और ये कहेंगे कि जहां पे स्मॉल टी एच ई द है और वहां पे दोज हो जाए, हो गया, ठीक है, जहां जहां पे टी एच ई है वहां वहां पे दोज हो जाए, रिप्लेस ऑल कर देंगे, तो जहां जहां पे द था वहां वहां पे देखिए दोज हो गया है, ये देखिए हो गया, ठीक है। मतलब कि ऐसे हम कई नाम को बदल सकते हैं, तो यानी कि हम कोई भी यहां पर कैरेक्टर बदल सकते हैं, कोई भी शब्द बदल सकते हैं, कोई भी सेंटेंस बदल सकते हैं। हाँ, किसमें? जहां जहां पे टी एच ई रहा होगा वहां वहां पे दोज हो जाएगा। अगर कहां कहीं पे अगर थंडर की स्पेलिंग टी एच ई से है तो वहां भी दोज हो जाएगा, ठीक है ना। तो यहां पर हम जो हमारी मीनिंगफुल चीजें हैं उसको हमें बदलना चाहिए। जैसे हम यहां पर लिख दिए हैं मोहन सोहन मोहन, अब जहां जहां पे मोहन है वहां वहां पे रोहन हो जाए, ठीक है, जहां जहां पे क्या है मोहन वहां वहां पे रोहन हो जाए, ठीक है, जहां जहां पे क्या है मोहन है वहां वहां पे रोहन हो जाए, तो रिप्लेस ऑल कर देंगे तो सभी जगह हो जाएगा, तो हम अपने वर्क अकॉर्डिंग रिप्लेस कर सकते हैं। तो यहां पे क्वेश्चन ये है कि रिप्लेस ऑप्शन की मदद से आप क्या क्या चीजें बदल सकते हो। तो किसी भी हम अक्षर को बदल सकते हैं, कैरेक्टर को बदल सकते हैं, दूसरा किसी भी हम शब्द को बदल सकते हैं, किसी भी हम सेंटेंस को बदल सकते हैं, किसी भी हम पैराग्राफ को भी बदल से रिप्लेस कर सकते हैं। तो यानी कि यहाँ पर इस क्वेश्चन के अकॉर्डिंग राइट आंसर यहाँ पे दिया हुआ है ऑल ऑफ दीज, यानी कि अगर आप शब्द को बदलना चाहते हो शब्द को, अक्षर को बदलना चाहते हो अक्षर को, सेंटेंस को बदलना चाहते हैं तो सेंटेंस को बदल सकते हैं, ठीक है ना। अगला क्वेश्चन ये है, यहाँ पे थोड़ा सा ब्लर है लेकिन हम क्वेश्चन पढ़ रहे हैं, देखिए ध्यान से देखिए सुनिए। कट व कॉपी करने पर सेलेक्टेड टेक्स्ट कहाँ चला जाता है? तो कहाँ चला जाता है? क्लिप बोर्ड पर चला जाता है, ठीक है। यहाँ पे क्वेश्चन ये दिया गया है कि जब आप किसी भी टेक्स्ट को क्या करते हो, कट करते हो या कॉपी करते हो, तो वो कहाँ चला जाता है? तो कहाँ चला जाता है? क्लिप बोर्ड में। कैसे? देखिए, जैसे मान लीजिए कि यहाँ पर हम क्या करते हैं, इस सेंटेंस को क्या करते हैं, सेलेक्ट करते हैं, ये जो अपना क्लिप बोर्ड है ना, तो किस टाइप के अंतर्गत आता है? होम टाइप के अंतर्गत, ठीक है। तो यहाँ पर आप इसको क्लिप बोर्ड ऑन कर लीजिए, देखिए हम यहाँ पे क्या करने वाले हैं, इसको सेलेक्ट करते हैं, सेलेक्ट करने के बाद क्या करते हैं, कॉपी करेंगे, और कॉपी करते ही कहाँ आ गया, देखिए ये क्लिप बोर्ड में स्टोर हो गया, तभी तो आता है, जब पेस्ट करते हैं तभी आ जाता है। अगर हम इसको कट करते हैं तो कट करने के बाद भी हमारा कंटेंट कहाँ चला जाता है, क्लिप बोर्ड में, देखिए स्टोर हो जाता है, और चाहे तो हम इसको पेस्ट कर सकते हैं वापस से, यहीं से भी कर सकते हैं, ये हो रहा है। तो किसी भी कंटेंट को जब आप एमएस वर्ड में कट या पेस्ट कट या कॉपी करते हो तो वो अस्थायी रूप से कहाँ पे होल्ड रहता है, कहाँ पे स्टोर रहता है, वो क्लिप बोर्ड में, और मैक्सिमम कितने टाइम्स स्टोर रहता है, 24 टाइम्स, यानी कि अगर आप कट करते जाओ कॉपी करते जाओ, कट करते जाओ कॉपी करते जाओ, तो ये अधिकतम कितनी बार होता है स्टोर, 24 टाइम्स स्टोर होता है। इसके 24 के बाद अगर करते हो तो 25 वाला क्या हो जाएगा, रिप्लेस हो जाएगा नए के साथ, ठीक है। क्लिपबोर्ड ओपन करने के लिए शॉर्टकट क्या होती है, क्लिपबोर्ड ओपन करने के लिए शॉर्टकट क्या होती है, कंट्रोल प्लस सी ट्वाइस, हाँ गुड, कंट्रोल प्लस सी ट्वाइस, क्लिपबोर्ड ओपन करने की शॉर्टकट की होती है कंट्रोल प्लस सी ट्वाइस, जरूर करना, टी डब्ल्यू आई सी ई, कंट्रोल प्लस सी ट्वाइस, यानी कि सी को दो बार प्रेस करना पड़ेगा, एक बार प्रेस करेंगे तो वो कॉपी कहलाएगा और दो बार प्रेस करेंगे जल्दी जल्दी तो वो क्लिपबोर्ड ओपन करने की शॉर्टकट की कहलाएगी, ठीक है। तो यहां पर क्वेश्चन ये है कि कट या कॉपी करने के बाद सेलेक्टेड टेक्स्ट आपका कहां चला जाता है, वो क्लिप बोर्ड पर चला जाता है। हाँ, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन है, अगला क्वेश्चन है ये, किस व्यू में हेडर फुटर बैकग्राउंड स्क्रीन पर प्रदर्शित होते हैं, किस व्यू में हेडर फुटर बैकग्राउंड आदि स्क्रीन पर प्रदर्शित होते हैं,
तो किस में प्रदर्शित होते हैं? प्रिंट लेआउट व्यू पर। और ये व्यू क्या होता है इसको थोड़ा सा समझिए, क्योंकि इससे रिलेटेड क्वेश्चन आते हैं। ठीक है, हम चलते हैं एमएस वर्ड पर, एमएस वर्ड पर चलते हैं, थोड़ा सा इसके बारे में डिस्कस करते हैं, तो इस क्वेश्चन का आंसर आपको ऑटोमेटिक मिल जाएगा। ठीक है, तो चलिए देखते हैं। यहां पर देखिए, हम कोई भी सेंटेंस लिख देते हैं, लिखने के बाद आप यहां पर देखो, इसमें हम कोई भी क्या लगा देते हैं, बैकग्राउंड भी लगा देते हैं। इस पेज पे हम बैकग्राउंड लगा देते हैं। कहां से लगाएंगे? तो आप इंसर्ट पे जाओगे, ये आपका पेज लेआउट पे जाना है आपको, और वाटर मार्क आप लगा दो। ठीक है, वाटर मार्क, वाटर मार्क आपको मिलेगा यहाँ पे पेज लेआउट में, और कस्टम वाटर मार्क में जाना है, और कस्टम वाटर मार्क में जाने के बाद पिक्चर वाटर मार्क जाना है, और यहाँ पे आपको कोई भी इमेज लगा देना है। यहाँ पे हम इमेज लगा रहे हैं। ठीक है, ओके कर दीजिए, ये इमेज लग गया है। ठीक है, हाँ ये वाटर मार्क है, लगा दिया। अब पेज का बैकग्राउंड कलर भी चेंज कर देते हैं, तो पेज कलर, पेज कलर हमने कर दिया मान लो येलो कलर कर दिया। ठीक है, ये ठीक है, ये कर दिया, ये अपना पेज का कलर भी दिखाई देने लगा, और यहाँ पे वाटर मार्क लगा दिया पिक्चर के रूप में। ठीक है, अभी पूरे पेज का कलर हो गया ये, और यहाँ पे चूंकि ये इमेज है, ये पूरा व्हाइट एरिया इमेज है, ठीक है ना, इसीलिए उसको कवर कर लिया है बैकग्राउंड को, तो पीला नहीं दिख रहा। तो बाकी अपना जो पेज का कलर है येलो कलर है, और हमने क्या किया है यहाँ पे, जो आपका इमेज है उसको भी हमने लगा दिया हुआ है। ठीक है, तो अब यहाँ पे क्वेश्चन ये है कि व्यू कौन कौन से होते हैं, तो एमएस वर्ड में व्यू कौन कौन से होते हैं, यहाँ पे ध्यान से देखिएगा। प्रिंट लेआउट, ये देखिए यहाँ पे ऑप्शन आपको दिखाई दे रहा है क्या, ये प्रिंट लेआउट व्यू, फुल स्क्रीन रीडिंग व्यू, और यहाँ पे दिया है ये क्या है, ये है आपका पेज लेआउट व्यू, वेब लेआउट, और ये आउटलाइन व्यू, और ये क्या है, ड्रॉप्ड है। ठीक है, तो 1, 2, 3, 4, 5 प्रकार के व्यू होते हैं। पहला क्या रहता है, बाय डिफॉल्ट क्या रहता है, प्रिंट लेआउट। दूसरा क्या है, फुल स्क्रीन रीडिंग। तीसरा क्या है, वेब लेआउट। चौथा क्या है, आउटलाइन। और ये क्या है, ड्रॉप्ड व्यू है। तो बाय डिफॉल्ट जो अपना पेज होता है तो किस व्यू में होता है, प्रिंट लेआउट। तो प्रिंट लेआउट में होता क्या है कि जैसा आपने लिखा हुआ है, जैसा आपने बनाया हुआ है, अगर आपने बैकग्राउंड इमेज लगाया है, पेज का कलर किया है, तो यथावत वैसा ही आपको दिखाई देता है। ठीक है, किसमें, प्रिंट लेआउट में। बाय डिफॉल्ट अपना पेज किसमें होता है वर्ड का, प्रिंट लेआउट व्यू। लेकिन जब हम इसको फुल स्क्रीन रीडिंग में करते हैं, तो फुल स्क्रीन रीडिंग मोड में क्या होता है कि आपका पेज का कलर तो दिखाई देगा, आपका जो कंटेंट है टेक्स्ट, अगर आपने उसमें कलर किया है वो भी दिखाई देगा, लेकिन पेज का बैकग्राउंड इमेज अगर आपने लगाया है वाटर मार्क, तो वाटर मार्क नहीं दिखाई देता है। वाटर मार्क किस में नहीं दिखाई देता है, तो वाटर मार्क आपका इस व्यू में नहीं दिखाई देता है, फुल स्क्रीन रीडिंग में। ये ध्यान रखिएगा, ये क्वेश्चन पूछता है, ठीक है, कि यहां पर फुल स्क्रीन रीडिंग में आपको वाटर मार्क दिखाई देता है कि नहीं दिखाई देता, दिखाई नहीं देता। पेज का कलर दिखाई देता है कि नहीं दिखाई देता है, तो पेज का कलर दिखाई देता है, लेकिन जो आपका वाटर मार्क है वो दिखाई नहीं देता। इसके बाद है वेब लेआउट, तो वेब लेआउट में भी आपका पेज कलर दिखाई देता है, टेक्स्ट का कलर दिखाई देता है, फॉर्मेटिंग दिखाई देता है, लेकिन वाटर मार्क दिखाई नहीं देता है। इसी तरह से आउटलाइन में, आउटलाइन में आपका केवल टेक्स्ट का कलर दिखाई देगा, ठीक है, लेकिन आपका पेज का कलर नहीं दिखाई देगा और वाटर मार्क दिखाई नहीं देगा। किस ऑप्शन में, किस मोड में, आउटलाइन व्यू पे। ये सभी होते क्या है, स्टेप बाय स्टेप हम सबको बताएंगे, लेकिन अभी आप व्यू जानो कौन कौन से हैं। इसके बाद यहां पे ड्रॉप्ड, और ड्रॉप्ड में भी आपको यहां पे
बैकग्राउंड कलर पेज का और वाटर मार्क दिखाई नहीं देगा, लेकिन सभी चीजें अगर दिखाई देती हैं तो किसमें आपका ये प्रिंट लेआउट में सभी चीजें दिखाई देंगी। तो यहां पे क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन यही किया हुआ है कि किस व्यू में हेडर फुटर, हेडर फुटर तो दिखाई देगा ही, हेडर फुटर लगा के भी दिखा देते हैं आपको। यहां पे चलिए हेडर फुटर लगा देते हैं, यहां पे हमने कर दिया पेज नंबर, ठीक है, चलिए बीच में। तो यहां पे देखिए ये हेडर फुटर, ये हमने हेडर लगाया है, ये फुटर लगाया हुआ है, फुटर दिखाई दे रहा है वन यहां पे, तो हेडर फुटर भी दिखाई देता है और पेज का बैकग्राउंड कलर भी दिखाई देगा और आपका इमेज भी दिखाई देगा। तो यहां पर क्वेश्चन यह है कि किस व्यू में हेडर फुटर बैकग्राउंड इत्यादि स्क्रीन पर प्रदर्शित होते हैं तो प्रिंट लेआउट पर दिखता है, क्योंकि अपने डॉक्यूमेंट का डिफॉल्ट जो व्यू होता है प्रिंट लेआउट व्यू होता है। ओके, समझ में आ गया, ठीक है। अगला, हाँ, किस व्यू में डॉक्यूमेंट, किस व्यू में डॉक्यूमेंट साधारण रूप में फॉर्मेटिंग के बिना नजर आता है, विदाउट फॉर्मेटिंग नजर आता है, किस में नजर आता है, आउटलाइन। आउटलाइन मतलब अगर हम यहां पर कोई भी, चलिए इसको, हाँ इसको यहां पे हम कोई भी पैराग्राफ लिख लेते हैं, ठीक है, और चलिए इसको हम हेडिंग बना देते हैं, और इसको हमने हेडिंग बना दिया, क्योंकि हमारा जो डॉक्यूमेंट होगा अगर हम नोट्स बनाएंगे बुक लिखेंगे तो हेडिंग तो होंगे ना, तो हम यहाँ पे रियल में न लिख करके आपको प्रैक्टिकल बताने के लिए बता रहे हैं। ये हेडिंग बना दिया हमने, ये हेडिंग, ये हेडिंग, ये और ये हेडिंग है और ये हेडिंग है, ठीक है, कर दिया हेडिंग। यहाँ पे इसको अभी हमारा व्यू कौन सा है डिफॉल्ट रूप से, ये कौन सा व्यू है, प्रिंट लेआउट व्यू है, प्रिंट लेआउट व्यू। और यहाँ पर बात किसकी कर रहा है, आउटलाइन। आउटलाइन में क्या होता है, अपना आउटलाइन व्यू ये वाला है, ये फोर्थ नंबर। आउटलाइन व्यू हम जब कर देंगे तो क्या होगा, यहाँ पे अपना जो फॉर्मेटिंग होगा, फॉर्मेटिंग कर देते हैं यार, यहाँ पे कलर कर देते हैं और ठीक है, फॉर्मेटिंग कर रहे हैं यहाँ पे, ठीक है, और आउटलाइन व्यू, जैसे हमने ये फॉर्मेटिंग कर दिया हुआ है, ठीक है ना, अगर हम इसको किस में कर देते हैं, आउटलाइन व्यू में, तो ये सामान्यतः किस में दिखाई देगा, बिना फॉर्मेटिंग के दिखाई दे रहा है, ठीक है, हाँ साधारण रूप में। बुलेट तो इसमें आएगा ही आपका, बुलेट्स इसमें आएगा ही, ठीक है ना, एक्सपेंड, एक्सपेंड करने के लिए ऑप्शन है ये, ठीक है, हाँ देखो यहाँ पे, यहाँ पे देखो क्या है कि ये प्लस और माइनस जो दिया है ना, तो यहाँ पे अगर हम माइनस कर देंगे तो इसके अंदर का कंटेंट क्या हो जाएगा, कोलैप्स हो जाएगा, और ये यहाँ पे क्लिक करेंगे तो क्या हो जाएगा, एक्सपेंड हो जाएगा, देखिए आ गया ये, यहाँ पे ये क्या है, इसको हम क्या कर देंगे, ये कोलैप्स कर देंगे, तो कोलैप्स हो गया, एक्सपेंड करेंगे तो दिखने लगेगा, ठीक है। तो यहाँ पर क्वेश्चन ये है कि किस व्यू में डॉक्यूमेंट साधारण रूप से फॉर्मेटिंग के बिना नजर आता है, तो आउटलाइन व्यू हो जाएगा, इस क्वेश्चन के अकॉर्डिंग राइट आंसर आउटलाइन। अगला क्वेश्चन है कि डॉक्यूमेंट को स्वतः ही सही करने के लिए हम किसका प्रयोग करते हैं, तो ऑटो करेक्ट फीचर ऑप्शन का यूज करते हैं। ये ऑटो करेक्ट फीचर कहाँ पे होता है, तो चलिए वर्ड की ओर चलते हैं, एमएस वर्ड खोलते हैं, और यहाँ पर हाँ ये ऑप्शन पे आप जाओ, फाइल ऑप्शन पे, फाइल पे जाएंगे और ऑप्शन पे आप जाओगे और यहाँ पर आपको मिलेगा प्रूफिंग के अंदर जाना है और ऑटो करेक्ट ऑप्शन पे जाना है, ठीक है, ऑटो करेक्ट ऑप्शन पे आ गए। हम ये चाहते हैं जब हम यहाँ पर लिखें सीपीयू लिख करके और स्पेस मारें तो ऑटोमेटिक क्या हो जाए, सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट हो जाए, एड कर देते हैं इसको। अब यहां पे हमने एड कर दिया ना ऑटो करेक्ट में, तो जब हम अपने डॉक्यूमेंट में क्या लिखेंगे, सीपीयू लिख के और क्या मारेंगे, स्पेस मारेंगे, तो ऑटोमेटिक सेंटर प्रोसेसिंग यूनिट लिख करके आ जाएगा, यानी कि ये ऑटो करेक्ट हो जाएगा, ठीक है ना। तो यहां पे हमने ऑटो करेक्ट के अंदर डाल दिया हुआ है,
ठीक है, जैसे हम यहाँ पर APSU लिखें और स्पेस मारें तो ये ऐसा हो जाएगा, हमने बना के रखा हुआ है पहले से ही, पूरा लिख के आ जाएगा, ठीक है ना। ये ऑटो करेक्ट ऑप्शन में, जैसे हमने यहाँ पे क्या लिखा हुआ है TRS, अगर हम यहाँ पे TRS लिख के स्पेस मारेंगे ऑटोमेटिक ये सही पूरा लिख के आ जाएगा। हाँ तो वो तो स्पेलिंग एरर है, वो इसके लिए शॉर्ट स्पेलिंग एंड ग्रामर के लिए होता है शॉर्टकट की F7 होता है। हाँ ठीक है, नहीं नहीं ओनली F7 स्पेलिंग। अगर आप यहाँ पे थेरेसिस की बात आती है समानार्थी शब्द ढूंढने के लिए तो उसके लिए शिफ्ट प्लस F7 होता है, ठीक है। हाँ तो यहाँ पर देखिए कि डॉक्यूमेंट को स्वतः ही सही करने के लिए किसका उपयोग करते हैं, ऑटो करेक्ट ऑप्शन का। अगला क्वेश्चन है कौन सी कमांड के लिए एक ही डायलॉग बॉक्स होता है, तो कौन सी कमांड के लिए होता है, हाँ गो टू रिप्लेस और फाइंड, मतलब ये कि अगर आप कंट्रोल प्लस जी करोगे तो एक ही डायलॉग बॉक्स है, चाहे आप कंट्रोल प्लस एफ करो, ये यहाँ फाइंड के लिए रिप्लेस के लिए गो टू के लिए एक ही डायलॉग बॉक्स होता है यूज। हाँ फाइंड एंड रिप्लेस डायलॉग बॉक्स के अंतर्गत कितने टैब होते हैं, ये आपके फाइंड रिप्लेस गो टू, ठीक है, कंट्रोल प्लस जी गो टू, कंट्रोल प्लस एच यही डायलॉग बॉक्स खुलेगा, ठीक है ना। तो यानी कि यहाँ पे क्वेश्चन क्या किया हुआ है कि कौन सी कमांड के लिए एक ही डायलॉग बॉक्स होता है, तो गो टू के लिए, रिप्लेस के लिए और फाइंड के लिए, ठीक है। तो बहुत आसान क्वेश्चन है ये, बन ही जाएगा, है ना। चलिए आप लोग तब से टाइपिंग स्टार्ट करिए, थ्योरी बताते हैं, ठीक है। हाँ हाँ F1 आ गया, हाँ चलिए ठीक। चलिए हाँ आगे देखिए, निम्नलिखित में से कौन सा रिबन बर्ड टैब बर्ड 2007 में नहीं होता है, तो कौन सा रिबन टैब है ना। तो देखिए यहाँ पर ये क्या होते हैं, ये आपके सभी होम इंसर्ट पेज लेआउट रेफरेंसेस मेलिंग रिव्यू व्यू ये सभी क्या है, टैब हैं। इस टैब के अंदर क्या होते हैं, क्लिपबोर्ड फॉन्ट पैराग्राफ, हर टैब के अंदर क्या होते हैं, ग्रुप होते हैं, और हर ग्रुप के अंदर क्या होते हैं, ये रिबन होते हैं। जैसे कि यहाँ पे ये रिबन है, जैसे कि फॉन्ट ग्रुप, फॉन्ट श्रिंक है ना, चेंज केस, ये सभी क्या है, रिबन है, ठीक है। तो आपको यहाँ पे नाम पता होना चाहिए कि कौन कौन से यहाँ पे रिबन हैं, कौन कौन से कमांड हैं या नहीं है, तो इसके अकॉर्डिंग आपको इसका नाम पता चल जाएगा, ठीक है ना। तो यहाँ पर आपको रिबन के अकॉर्डिंग अगर ऑप्शन दिया है तो बन जाएगा, ठीक है। चलिए आगे देखिए, सेव एज कमांड द्वारा हम अपने डॉक्यूमेंट फाइल को किस फॉर्मेट में सेव कर सकते हैं, सेव एज कमांड द्वारा, ठीक है। अच्छा एमएस वर्ड में सेव एज करने के लिए शॉर्टकट क्या होता है, F12, और सेव करने के लिए कंट्रोल प्लस एस, ठीक है। सेव एज के लिए क्या होता है, क्या सेव, और सेव एज में देखिए सेव में क्या होता है कि अगर आप अपने फाइल को सेव नहीं किए हो, उसको आप फर्स्ट टाइम कंट्रोल प्लस यस करोगे सेव करोगे, तो आपसे पूछेगा कि आप फाइल को कहां पे सेव करना चाहते हो और किस नाम से करना चाहते हो, ठीक है। उसको आपने सेव कर दिया, लेकिन जब उसी फाइल को दोबारा सेव करोगे तो फिर वो ये नहीं पूछेगा कि आपको किस लोकेशन में सेव करना है, किस नाम से करना है, क्योंकि आपने ऑलरेडी करके रखा हुआ है। जब आप कंट्रोल प्लस यस करेंगे दोबारा उसके अंदर का कंटेंट सेव होगा, यानी कि उसके अंदर का कंटेंट अपडेट होता है। लेकिन सेव एज में क्या होता है कि जितनी बार आप F12 करोगे उतनी बार सेव एज डायलॉग बॉक्स खुलेगा फाइल को सेव करने के लिए। देखिए यहां पे देखिए ये अल्ट, यहां पे F12 करोगे तो सेव एज डायलॉग बॉक्स खुलेगा, जितनी बार आप प्रेस करोगे फाइल को कितनी बार भी सेव कर लो। तो सेव एज का यूज होता है कि फाइल को आप डिफरेंट लोकेशन पे आप किसी और नाम से, अदर नेम से बार बार जितनी बार आप सेव करना चाहते हैं सेव कर सकते हो, ठीक है ना। तो सेव एज के लिए क्या होता है शॉर्टकट की, कंट्रोल प्लस या सॉरी F12 होता है। अच्छा कंट्रोल प्लस F12 से क्या होता है,
एमएस वर्ड में अगर आप कंट्रोल प्लस एफ12 पर करते हो तो क्या होता है? अच्छा, कंट्रोल प्लस ओ से क्या होता है? फाइल को ओपन करना, जो फाइल हमारी पहले से सेव है उसको ओपन करना। लेकिन कंट्रोल प्लस एफ12 पर करोगे तो फिर भी वही काम होगा, ओपन करने का काम, कंट्रोल प्लस ओ वाला, ओल्ड फाइल जो सेव हमारी है उसको ओपन करना। तो कंट्रोल प्लस एफ12 होता है ओपन के लिए, लेकिन केवल एफ12 होता है सेव एज करने के लिए। ठीक है, नहीं देखिए, नहीं 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 देखिए, यहाँ पे अगर हम सेव एज करेंगे तो सेव एज डायलॉग बॉक्स खुलेगा, लेकिन अगर हम कंट्रोल प्लस एफ12 करेंगे तो ये ओपन वाला डायलॉग बॉक्स खुलता है। यहाँ पे लिखा ना ओपन, ये यहाँ से हम पता कर पाएंगे कि किस क्या प्रॉपर्टी खुला हुआ है, ओपन करने के लिए बोला है कि सेव एज करने के लिए बोला, तो यहाँ लिखा तो है। और फिलहाल यहाँ पे अगर ओपन करना है तो ओपन बटन आएगी, सेव करना है तो सेव बटन आएगी। ठीक है, तो चलिए यहाँ पर इस क्वेश्चन के अकॉर्डिंग सेव एज कमांड द्वारा हम अपने फाइल को किस फॉर्मेट में सेव कर सकते हैं। तो अगर इस डॉक्यूमेंट को आपको पीडीएफ में करना है तो क्या हम इसको पीडीएफ नहीं कर सकते हैं? कर सकते हैं, ये यहाँ पे आपको चूज करना होगा पीडीएफ, तो पीडीएफ में कर सकते हैं। अगर आपको करना है डॉट डीओसीएक्स में, डॉट डीओसीएक्स में कर सकते हैं। अगर आपको डॉट डीओसीएम में करना है, डॉट डीओसीएम में कर सकते हैं। अगर आपको वेब पेज में करना है, एचटीएमएल में करना है, एचटीएम में तो करना है, इसको कर लो। यानी कि कई फॉर्मेट में आपको सेव कर सकते हो आप। आपको पता होना चाहिए कौन कौन से फॉर्मेट में इसमें आता है, क्योंकि कभी कभी क्वेश्चन आ जाता है कि किस फॉर्मेट में हम नहीं कर सकते हैं। क्या हम डॉट जावा से कर सकते हैं एमएस वर्ड की फाइल को सेव? नहीं। क्या डॉट सीपीपी से कर सकते हैं? क्या डॉट पीएस पाइथन की फाइल में सेव कर सकते हैं? नहीं। तो यहां पे किस किस फॉर्मेट में हम कर सकते हैं आपको यहां पे याद रखना है। तो डॉट डीओसीएक्स में कर सकते हैं, डॉट डीओसीएम में कर सकते हैं, डॉट डीओसी में कर सकते हैं, डॉट डीओटीएक्स में कर सकते हैं, डॉट डीओटीएम में कर सकते हैं, डॉट डीओटी में कर सकते हैं, पीडीएफ में, एक्सपीएस में, एचटीएमएल में, एचटीएमएल में, एचटीएम में, आरटीएफ में, डॉट टेक्स्ट फाइल में कर सकते हैं, एक्सएमएल में कर सकते हैं, एक्सएमएल में कर सकते हैं, ओडीटी में, डब्ल्यूपीएस, है ना, इन सभी फॉर्मेट में हम कर सकते हैं। तो यहाँ पे क्वेश्चन बना सकता है कि आप किस फॉर्मेट में कर सकते हैं, किस फॉर्मेट में नहीं कर सकते हैं। तो ऑप्शन यहाँ पे दिया रहा है क्या कि पीडीएफ फाइल में, डॉट डीओसी में, डॉट डीओसीएक्स में, डॉट डीओटी में, तो ऑल ऑफ दिस बहुत सारे में कर सकते हैं, जो ऑप्शन यहाँ पे दिया होगा। ठीक है, तो यहां पर अगला क्वेश्चन है, हाँ, प्रिंट कमांड के पेज रेंज में कौन सा ऑप्शन होता है? तो पेज रेंज में, जैसे अगर आपको मान लीजिए कि पेज नंबर एक से लेकर के अगर आप 210 तक करना है प्रिंट, तो आपको यहाँ पे रेंज देना पड़ता है। ठीक है, अगर आपको पूरा 10 पेज है, दसों देना है आपको, तो पूरा दसों देना पड़ेगा। ठीक है ना, तो यहाँ पर अगला क्वेश्चन देखो, हाँ, किस कमांड से डॉक्यूमेंट को ईमेल द्वारा किसी को भी भेज सकते हैं? तो किसके द्वारा? गो टू कमांड के द्वारा भेज सकते हैं। ठीक है, अगला है कि पहले सेव किए गए डॉक्यूमेंट को किसी अन्य नाम से सेव करने के लिए किसका यूज करते हैं? तो हम क्या यूज करेंगे? टूल्स के अंदर। ठीक है, पहले से सेव किए गए डॉक्यूमेंट को किसी अन्य नाम सेव करने के लिए सेव एज का यूज करते हैं। और सेव एज कमांड कहां मिले आपको? ओल्ड वर्जन अगर आप बड यूज कर रहे हैं तो टूल्स के अंतर्गत मिल जाएगा। टूल्स के अंदर सेव एज के लिए यहां पे आपका कमांड दिया रहता है, तो आप उसका यूज कर सकते हैं। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन है, हाँ, हेडर व फुटर ऑप्शन किस कमांड की सहायता से बदले जा सकते हैं? हेडर और फुटर, यहाँ पे अगर आपको हेडर फुटर लगाना है तो हेडर फुटर पे आप जाओ और आप यहाँ पे क्लिक कर दो, हेडर फुटर ऑप्शन लग जाएगा। तो हेडर फुटर ऑप्शन का ही यूज करेंगे, यहाँ पे रहता है हेडर एंड फुटर ऑप्शन, जो कि इंसर्ट टाइप के अंतर्गत आता है, तो आप हेडर फुटर का यूज करेंगे। अगला ऑप्शन है कि वर्ड में नया डॉक्यूमेंट किस टेम्पलेट पर आधारित होता है? तो नॉर्मल होता है। ठीक है, ओके, तो आज के इतने फाइल में इतना ही, ठीक है, इतना ही बताते हैं क्योंकि अभी ज़्यादा समय हो गया। ठीक है ना, तो हाँ, इसके आगे कल से स्टार्ट करते हैं, नेक्स्ट बताते हैं, क्योंकि भी ज़्यादा समय हो गया है। ठीक है, ओके।